तो आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं डीजे का अगला पार्ट। लाइकली गाइस आप लोग को पता होगा कि हम लोग अभी डीजे के सीरीज चला रहे हैं। सो डीजे मूवी में फिलहाल अभी हम लोग 3 पार्ट रिएक्ट कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। हम लोगों ने उनका प्लेलिस्ट बनाया और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक। प्लीज आप सारे देखे हैं। डीजे का ट्रेलर पे भी हमने रिएक्शन किया, तो अगर आपने रिएक्शन देखना है तो प्लीज गो एंड वॉच। फिलहाल के लिए गाइस अभी हम लोग जो अगला पार्ट रिएक्ट करने वाले हैं तो उसके बारे में पहले बता दें कि अभी तक सीरीज में हमने क्या क्या देखा है। तो फिलहाल गाइस हम डीजे में जब एंट्री होता है तो कैसे एक छोटा सा बच्चा पंडित होता है और वो बन जाता है डीजे गैंग, मतलब डीजे गैंग बनाता है अपना, और उसके बाद वो हर गुंडे का सर्वनाश करता है, सफाया करता है। एंड इसके बाद एक और पार्ट देखते हैं जिसमें हम विलेन की एंट्री होती है, एंड उसमें विलेन बहुत तगड़ा विलेन है, बंदा कैसे छुप करके अपना पूरा साम्राज्य चला रहा है उससे रिलेटेड है। एंड इसके बाद हीरो की एंट्री होती है हैदराबाद में, जो कि एक शादी का माहौल है। बस यहीं तक हमें पता है, अब आगे देखते हैं होता क्या है। आई होप अब मजा आएगा फिलहाल के लिए। लेट्स वॉच इट। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको और किस चीज पे रिएक्शन चाहिए। इस चैनल पे हम बहुत सारे मूवीज वीडियोस पे रिएक्ट देते रहते हैं। साथ साथ गाइस सुजी का एक और चैनल है, हमारा ही चैनल है, मतलब द सुजी नाम से होगा, आपको फीचर में मिल जाएगा। प्लीज गो उसको भी सब्सक्राइब करना। उस पर सॉन्ग्स अलग अलग टॉपिक्स पे मूवीज छोड़ के अलग अलग टॉपिक्स पे रिएक्शन आएंगे, तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स तो सब्सक्राइब कर ही लेना ना। राइट सो गर्ल्स आफ्टर माय लास्ट परफॉर्मेंस मैत्री एंड योर वुड बी हस्बैंड डीडीएलजे के शाहरुख और काजल की तरह एंट्री मारेंगे। ये सब नहीं होने वाला। व्हाट? शादी से पहले हमें एक दूसरे को देखना मना है क्योंकि हमारी कुंडली में दोष है। पहले कुंडली मिलाओ फिर घर वालों को मनाओ, डायरेक्ट भाग के शादी कर लो, ये सब मुझसे नहीं होता। यू मीन सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोटो देख के हाँ करती? एक्चुअली मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी नहीं है। What? आज के जेनरेशन में लोग टेस्ट ड्राइव किए बिना कार भी नहीं खरीदते। How can you just marry him, yeah? La 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 la. अरे विनेश, hey शास्त्री, मेरी फियांसे मुझे देखना चाहती है, मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहती है। I'm very excited, nervous also. बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, शादी से पहले गाड़ी का टेस्ट लोगे तो भगवान चालान काट देगा। अथू, उसका पीछे प्रपोजल लेकर सीधा जाकर स्वाहा कर दे। आपका प्यार झूठा है। देखो, वेंकट अंकल, आंटी, जरा यहाँ आइए। तो क्या बोल रहे हैं? क्या बात है? होने वाला दूल्हा आपका सुपुत्र विघ्नेश्वर कुमार कुंडली उंडली तो नहीं मानता, विवाह से पूर्व कन्या के दर्शन का इच्छुक है। विघ्नेश्वर शास्त्री बहुत लंबा है। क्यों गंजी टांग पर रखी बाल लगाए क्या? सुना तुमने, शादी से पहले इसने अपना नाम छोटा कर दिया, शादी के बाद तो रिश्ता ही नहीं रखेगा। मेरा शुगर बढ़ रहा है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलो। हर छोटी बात पर अशुभ बहाया कर। मेरा शुगर बढ़ रहा है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं बोल रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए चपड़गंजो, तुम्हारे बिना भी हम खाना बना लेंगे, तुम बस इस बैल के नकेल कस के रखो। इसकी नियत ना हटे इसीलिए रोमिंग नेटवर्क की तरह से पकड़ कर रखूंगा। एट एनी कॉस्ट यू कैन नॉट सी हर बिफोर द मैरिज, ये बात अपने दिमाग में स्वाहा कर लो। स्वाहा? क्या आफत है? मेरी बात सुन यार, मैथिली मुझे हर एक सेकंड में मैसेज भेज रही है, वो मुझे देखना चाहती है। तू एक मिनट के लिए कमर की घंटी हटा, मैं अपने दिल की घंटी बजा के आता हूँ। नॉट पॉसिबल। अगर तुम्हें होने वाली दुल्हन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन मैं लाऊंगा, तुम नहीं जाओगे। मेरी जगह तुम उससे मिलोगी? तुम दोनों ने एक दूसरे की फोटोज भी तो नहीं देखी है ना, तो उसे कैसे पता चलेगा? इस तरह ना ही शादी का कोई रूल टूटेगा और दूल्हे के बारे में पता भी चल जाएगा। कुछ गड़बड़ हुई तो? ए, मैं हूं ना बंटा, सब संभाल लूंगी, चुप। उसने तत्काल होटल के तालाब में आने को कहा, पर यहाँ ना कोई पानी में नहा रहा है ना कपड़े धो रहा है। तालाब किनारे अक्सर किशोर किशोरियाँ गुटर गु करते हैं, अवश्य वो भी गांव की शर्मीली कन्या होगी। हीरो का मुंह खुला हुआ है। Earth.
कहीं पंडित जी की बात सच ना निकले। अरे मैडम ये क्या कर रही हैं आप? होने वाली दुल्हन शादी के जोड़े में अच्छी लगती है, ये स्विमिंग सूट में आने का क्या मतलब है? लेकिन दो दिन में तो शादी होने वाली है। तो क्या हर फिल्म के सीन की प्रॉपर जगह होती है, ओपनिंग टाइटल में कोई क्लाइमैक्स सीन दिखा देता है क्या? अगर आपकी पोशाक इतना ध्यान विचलित करे तो हमारे समाज पर इसका क्या असर होगा? क्या बात है, ये लड़का तो शरीफ निकला, ये फिसलने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति को जानने के लिए एक दूसरे के सामने दिल के द्वार खोलने चाहिए, उसके लिए वस्त्र भी खोलने पड़ते हैं, इसका ज्ञान होता तो तुमसे मिलने कदापि नहीं आता। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, अब बैठ जाए, ये ड्रेस ठीक है? तुमसे कुछ पर्सनल सवाल पूछने हैं। मेरे उत्तर से तुम्हारे साथ समाज को भी ज्ञान की गुट्टी प्रदान होगी, आरंभ करो। क्या तुम खाना पका लेते हो? कैसा विचित्र प्रश्न है, व्यंजन बनाने का विशेषज्ञ हूँ। तुम बना लेती हो? ठीक ठाक, खाने लायक। अच्छा एक प्रश्न पूछूं, लेमन राइस बनाने की विधि क्या होती है? ये दोनों इधर सामने सामने आ गया। हाय हाय। एकदम सटीक विधि है, लेकिन हींग वो कहाँ है? हींग भी चाहिए? हाँ, बिना हींग के लेमन राइस बनाओगी सीधा नर्क लोक में जाओगी। रियली? सिकी हुई मूंगफली वो भी भूल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बारे में क्या थॉट्स है? नेक विचार है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, घर को मंदिर बनाएंगे। बात ये है कि 2-3 साल तक बच्चे नहीं चाहिए। क्यों? पाप लगेगा, ईश्वर के प्रसाद को मना करने वाले हम तुम कौन है? मुझे तो पैरों में भी सॉक्स पहनने की आदत नहीं है, तो मैं लुक एट यू, नो सॉक्स, मन करेगा तो तुम्हें जूते भी पहनाऊंगी मैं। अच्छा, मैंने जितना सोचा था उससे डबल डोमिनेटिंग हो। अभी के अभी जाके आंटी को सावधान करना होगा, तुम जैसी लड़कियों से हमारे समाज पर बुरा असर पड़ेगा। एक्चुअली दुल्हा मैं हूँ। और दुल्हन मैं हूँ। डबल 8016 999 41 पर्सनल नंबर है, मिस कॉल दे देना। भाई ट्राई करके देखना तो किसका नंबर है। तोड़ा चलाऊंगा। श्योर। ऑलराइट। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर टेंशन हो रहा है तो फोन लगाना बनता है। बोलो मैथु। क्या तुम मुझसे अभी मिल सकते हो? ओहो। वेलकम सर, वेलकम। अपना सलमान खान वाला रूप भी दिखाइए ना। तो फिर ये लो। तूने तो कहा था ये सलमान लगेगा, ये तो पान वाला लग रहा है। चुप। क्या हो गया इसे? शास्त्री, विघ्नेश्वर शास्त्री, नाम तो सुना होगा हाँ? इसलिए चुना होगा। क्या कर रहा है बे? गरीबों के शाहरुख खान आधी रात को गार्डन में नंगा घूम रहा है। बाड़ा क्या कर रहा है बे? गरीबों के शाहरुख खान, इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? तुझे तो शक्ल भी नहीं दिखानी चाहिए, तू पूरा का पूरा शो दिखाने आ गया। मत कर यार। 2 दिन में इनकी शादी होने वाली है, क्या दिक्कत है? तुम्हें इस पंडित की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्र अनुमति दे तो भी शास्त्री स्वीकृति नहीं देगा। अंकल आंटी को इसके बारे में बताया ना तो 1 सेकंड में शादी कैंसिल हो जाएगी, बता रहा हूँ। ए पूजा, इस सभ्य संस्कारी को संभालना प्लीज। बात को समझो, विघ्नेश की जगह खुद को इमेजिन करो। कल्पना कर ली, आगे क्या? समझ लो कि मैं ही मैथिली हूँ। चलो वो अभी समझ लिया। कुछ हो रहा है। मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती, फिगर अच्छी नहीं है क्या? फिगर अच्छी क्यों नहीं है? तुम्हारी फिगर देखकर तो मेरा स्वाहा हो गया है। तुम्हें स्विमिंग पूल में देखा तो ये क्या, ये मेरी मदद कर रहा है या खुद मजे ले रहा है? कल हमारी सुहागरात है। ये फिल्म फैमिली फिल्म है, मैं नहीं देख सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं देखूंगा। थैंक यू, मैटर रिजॉल्व्ड। हैप्पी? 1 सेकंड और यहाँ रुका ना तो मुझे बुखार आ जाएगा तुम्हारी हरकतों की वजह से। जब देखो मैथिली चल यहाँ से। बुखार आ जाएगा तुम्हारी हरकतों की वजह से। ओए मेरा मुंह दुख गया। शर्ट बनियान और दिल शादी के बाद ही खोलना, उससे पहले ना देखना है ना दिखाना है। करने दे। इसकी वीकनेस पता चल गई, कल इसे और स्ट्रॉन्ग डोज दूंगी। लेट्स सी। सब्जियां बहुत ताजी लेके आया है जग्गू। अरे जब इतनी खांसी है तो धुएं के पास क्यों बैठे हो? जाके अपनी बेटी के साथ क्यों नहीं रह लेते? अरे आजकल के बेटे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, तो बेटी से क्या उम्मीद रखे? अरे मुफ्त की रोटियां तोड़ने किसने कहा? उनके लिए खाना पका सकते हो, नाती नातिन को स्कूल छोड़ सकते हो, करने को बहुत कुछ अगर चाहो तो। अरे भाई कुछ दिन रुका था वहाँ, मन नहीं लगा। जब से स्मार्टफोन आया है सब काम ऑनलाइन हो जाते हैं,
सिर्फ एक फोन करने की जरूरत होती है, भजिया घर पे डिलीवर हो जाती है, बच्चे स्कूल बस से चले जाते हैं, मेरे पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बेटा जगन्नाथ, टेक्नोलॉजी की वजह से आज सबके पास फोन है, लेकिन लोगों को करीब लाने के बजाय उन्हें और दूर कर दिया है। इसके लिए टेक्नोलॉजी को दोष नहीं दे सकते, इसमें लोगों की ही गलती है। सबको ठीक ना, ऐसा नहीं होता कि आदम 80 लोग लड़की लेके तो घूम रहे हैं, लड़का लोग भी नहीं करता ऐसा। मैं पहले ही कहा था ना, अगर तूने सुनी नहीं, लड़की वाले कितने घमंडी है, छोड़ डाइटिंग डाल दे, हम लड़की वालों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। मैं कह रही हूँ बहनी, रिश्ता है या सुबह, सांभर भी डाल थोड़ा सा। कौन है मैं जानना चाहती हूँ, ये कॉफी किसने बनाई? रट्टू तोते की तरह एक ही प्रश्न, मानो कॉफी ना पिला के तुम्हें जहर पिला दिया हो। हाँ, कॉफी मैंने बनाई है, अब इस कॉफी को क्या अवार्ड दोगी? ऑस्कर गोज टू दिस कॉफी। यस, ये सिर्फ कॉफी नहीं है, अमृत है, अमृत है। पलट गई। ऐसी दृष्टि क्यों डाल रही हो, मेरे पास क्यों आ रही हो, लज्जा आ रही है। इसकी मम्मी बेहोश हो गई। क्या क्या बदतमीजी है, ऐसा करोगी तो हमारे समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा। गोली के सिक्स मारने पर क्या करते हो? ताली बजाते हैं। और सलमान के डांस पर सीटी बजाते हैं। और जब कोई अच्छी कॉफी बनाए तो हम ऐसे तारीफ करते हैं। ऐसा है क्या? ये खीर किसने बनाई है? आगे देखिए क्या हो रहा है। ये खीर किसने बनाई है? मैंने। हाय, तुमने बनाई है ये खीर? तुम्हें तो गिफ्ट देना पड़ेगा। ये चल क्या रहा है? सूर्यास्त होने से पहले घर पहुंचना है, शादी सलट चुकी है, तुम लोग अभी तक सामान नहीं समेट पाए हो। जग्गू, मैं घर जा रहा हूँ बेटा। अरे इतना काम पड़ा है, बीच में छोड़ के थोड़ी जा सकते हो। हम हैदराबाद आए हैं ना, अवश्य अपनी बेटी से मिलने जा रहे होंगे। अरे ऐसी बात है तो पहले क्यों नहीं कहा, जाओ जाओ बिंदास जाओ। शंकर काका, अपना बैग भूल गया, उमर के साथ भुलक्कड़ होते जा रहे हैं आप। और तू, सिलेंडर तेरा बाप लिखेगा। हाँ, लिखता हूँ। लग तो रहा है ऐसा ही कुछ, पैसा। बेटे जगन्नाथ, बिना मांगे तो माँ भी भोजन नहीं परोसती, लेकिन बिना मेरे मांगे तुमने ये सब। कभी कभी अपनों के मन की पीड़ा आंखों से पढ़ लेनी चाहिए, वही मैंने किया। नहीं जानता कि एक बेटी का बाप होने पर खुशियां मनाऊं या दुख, जरूर कुछ पाप किए होंगे कि तुम्हारे जैसा बेटा ना पा सका। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? अगर सच कहूं तो आप माता पिता से भी कहीं बढ़कर हैं, अपने हाथों से पाला है मुझे। हाँ। चलता हूं बेटा। ध्यान रखिए। Okay. Yeah, bye पंडित जी। पूजा 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 पूजा, आजकल आ गया आप अपने लाइन पे, मतलब प्रपोज मारना है लड़की। और शादियों की धूम मची हुई है ना, लगता है सिर्फ हम दोनों ही कवारे रह गए। अब तुम सीधा मुद्दे की बात कर रही हो तो शर्म के मारे स्वाहा हो रही है। कायदे से शर्माना तो लड़की को चाहिए। पूजा के पास इंडिया के बेस्ट फैशन कॉलेज की डिग्री है, मास्टर्स के लिए इटली जाएगी या पेरिस, बस ऐसी ही लाइफ है हमारी पूजा की। आज खाने का ऑर्डर कहाँ का है, बैंगलोर में बिरयानी बनानी है या मैंगलोर में मेंदू वड़ा, यही सोच रहे हो ना बावर्ची? पंडित जी, एक्चुअली द थिंग इज, दूल्हे से तुम्हारा ध्यान हटाने के लिए हमने एक मजाक किया था।
मेरे लिए एंटरटेनमेंट, तुम्हारे लिए एंजॉयमेंट, हिसाब बराबर हो गया। मजाक किया? ओ, दिल पे चोट लग गई क्या? So, तुम्हें फूल बनाने के लिए ये फूल। शास्त्री के कानों पे फूल बहुत अच्छा लग रहा है। रुको, मेरी बेवकूफ बना दी। अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो मुंह पे बोल दो कि पसंद नहीं हूँ। मेरे व्यवसाय पर ताना मारोगी तो समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? भोजन पकाकर लोगों का पेट भरना छोटा काम कैसे हो सकता है? माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद खिलाते हैं लोगों को, छल नहीं करते। तुम्हें सच्चे मन से प्रेम किया और तुमने ठोकर मार के खंडित कर दिया। मैं अत्यंत अद्भुत हूँ, किंतु तुम ये बात समझ नहीं पाओगी। जब मुझसे दूर जाओगी तब लेमन राइस में पड़ने वाले हींग की तरह तुम मुझे याद करोगी। What? मेरे पुलाव में फ्राई होने वाले जीरे की आवाज की तरह मेरा दिल तुम्हें पुकारता रहेगा। शास्त्री, संयम रखो मित्र। संयम रखने का वक्त खत्म हो गया, अब बोलने का वक्त है। संयम रखने का वक्त खत्म हो गया, बोलने का वक्त है। मैं क्रोधित हूँ। और अब एक अंतिम बात, तुम जानती हो प्रेम के बारे में अंग्रेजी कवि ने अंग्रेजी भाषा में क्या कहा है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू लवर्स शुड बी लाइक गैस स्टोव एंड लाइटर, बट इट शुड नॉट बी लाइक लाइटर एंड वाटर। फॉरेनर्स को खाना परोसते इंग्लिश सीख ली, ग्रामर गलत हो तो माफ करना, ग्रामर करेक्ट हो तो तारीफ कर देना। गुड बाय। शास्त्री, कोटि कोटि धन्यवाद देवी, सुन के बहुत संतोष हुआ। माँ, जगन्नाथ का प्रेम में पड़ना और जगन्नाथ का क्षमा मांगना, ये आपकी वजह से संभव हुआ। मेरा जीवन सफल हुआ माँ, पूरा जीवन सफल हुआ। मैं गंगा नहाऊंगा माँ, मैं गंगा नहाऊंगा। लेट्स गो। ओके गाइस, वाओ वाह, मस्त कॉमेडी था, लेकिन ना अच्छा खासा कॉमेडी था। एंड ये शादी वाला सीन तो बहुत बेहतरीन लगा मुझे, तुमको कैसा लगा? मुझे भी बहुत एंटरटेनमेंट, मतलब अभी हीरोइन से फर्स्ट मुलाकात हुआ है ना? हाँ, फर्स्ट बार। अभी हीरो इसके पैर में पड़ा, प्रपोज हुआ, हीरोइन और खत्म भी हो गया। भगा दी, हार में जाओ, तुम्हारे जैसे आते हैं जाते हैं हीरो, आते और जाते। अब पता नहीं हीरो क्या करेगा, मजा आएगा अगले पार्ट में गाइस, और मजा आएगा। आई होप अगले पार्ट में कुछ धमाकेदार हो और हीरोइन फिर हीरो के पैर में पड़ जाएगी। मुझे पता है ऐसा तो होगा कुछ ना कुछ, वरना हीरोइन हीरोइन क्यों है? लेट्स होप आगे की पार्ट और मजेदार होगी और सस्पेंस मिलेगा और ज्यादा मतलब फन होएगा। सो उसके लिए कमेंट करो कि आप इस क्लिप से एंटरटेन हुए या नहीं, एंड कमेंट करके और बताना आपको और किस पार्ट पे और किस मूवी पे रिएक्ट करें। फिलहाल ये फोर्थ पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, फिफ्थ पार्ट में मिलेंगे गाइस, तब तक ले।